रायबरेली में पिकअप चालक द्वारा बिस्कुट डिलीवरी के रुपए हड़पने के लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर टप्पेबाजी की साजिश रचने का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने पिकअप चालक और उसके दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हम आपको बताएं, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि मोहम्मद कैफ निवासी शिवनगर खदरा जनपद लखनऊ और इसी मोहल्ले के रजत शुक्ला आपस में गहरे दोस्त हैं और जुआ खेलने के आदी हैं। मोहम्मद कैफ बिस्कुट डिलीवरी बॉय है। उसने 1 जनवरी को थाना सलोन पर सूचना दी कि जनपद इलाहाबाद से बिस्कुट डिलीवरी करके आ रहा था, तभी लालगंज अझारा जनपद प्रतापगढ़ के पास दो लोगों ने उससे लिफ्ट मांगी तो उसने अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। रास्ते में हवेली रेस्टोरेंट के पास दोनों ने पिकअप ड्राइवर से कहा, रुको चाय पीना है। जब चाय पी रहे थे उसी दौरान एक काली सफारी गाड़ी उसकी पिकअप गाड़ी के आगे आकर कुछ देर रुकी। इसके बाद दोनों व्यक्तियों ने कहा कि उनकी गाड़ी आ गई है। वो दोनों चाय का पैसा देकर काली सफारी से चले गए। जब पिकअप ड्राइवर चाय का पैसा देकर अपनी गाड़ी पर पहुंचा तो देखा उसकी गाड़ी में रखे पैसे नहीं है। इस घटना के बाद पुलिस ने जब पिकअप चालक से पूछताछ शुरू की तो सारी पोल खुल गई। उसने बताया कि अपने दोस्त रजत के साथ मिलकर उसने सारे रुपए हड़प लिए और पुलिस को फर्जी टप्पेबाजी की झूठी सूचना दी है। उसके अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने उसके साथी को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों के पास से टप्पेबाजी का सारा माल बरामद कर लिया है। मंगलवार को दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। S7 के लिए नीरज श्रीवास्तव, वरुण वाजपेयी के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। पहली जनवरी 2023 को थाना सलोन को इसी आदमी के मार्फत सूचना प्राप्त हुई कि एक मोहम्मद कैफ नाम के व्यक्ति हैं, जो खदरा के निवासी हैं, लखनऊ में बिस्किट के सप्लायर हैं। वो जब सप्लाई करके वहाँ से इलाहाबाद से 1,90,000 रुपये लेकर के वो आ रहे थे प्रतापगढ़ में लालगंज मार्केट में। उन्हें जो अज्ञात व्यक्ति मिले तो उन्होंने कहा कि उनको लखनऊ जाना है, आप अपनी गाड़ी में हमें बिठा लीजिए, हम आपको 150 रुपये देंगे। उनका कहना था कि साहब उस लालच में हमने उन दो व्यक्तियों को बिठा लिया। आगे आने के बाद थाना सलोन क्षेत्र में हवेली रेस्टोरेंट के पास उन्होंने कहा कि हम चाय पीने के लिए उतरना चाहते हैं। वो तीनों व्यक्ति चाय पीने के उतर गए, इंक्लूडिंग मोहम्मद कैफ। और इसी बीच में चाय पीने के बाद वहाँ पे काली सफारी आई, जिसमें इन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी आ गई, हम लोग यहाँ से आगे चले जाएंगे। वो दोनों उस गाड़ी में बैठ के चले गए। मोहम्मद कैफ ने वापस जा करके जब देखा तो उन्होंने देखा कि उनकी गाड़ी में अटके हुए पैसे गायब। इस तरह की सूचना जब पुलिस को उन्होंने दी तो पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुँच करके छानबीन शुरू की और CCTV फुटेज वगैरह की जानकारी की है। टोल पार करके आए थे, टोल से भी देखा गया और पुलिस को धीरे धीरे उनकी बातों में, जो ड्राइवर था उसकी बातों में कॉन्ट्राडिक्शंस नज़र आने लगे। क्योंकि उनकी गाड़ी तो आती दिखाई पड़ रही थी परंतु उसके आस पास उसके पीछे कोई भी काली सफारी नहीं दिखाई पड़ रही थी। और अन्य भी विरोधाभासों को ध्यान में रखते हुए जब कड़ाई से उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये पूरी सूचना पुलिस को झूठी दी गई थी उनके द्वारा। और उन्होंने अपने एक मित्र रजत, जो कि वहीं का रहने वाला है खदरा लखनऊ का, मिल करके अपने व्यापारी का ये पैसा हड़पने की नियत से पुलिस को झूठी सूचना दी थी कि दोनों लोग जुआ खेलने के आदी हैं और इनको एक नई मोटरसाइकिल चाहिए। और इसी की वजह से इन्होंने प्लान किया था कि इस झूठी सूचना को दे करके पूरा पैसा हम हड़प कर जाएँ और उससे हम अपना भी गाड़ी काम करें। पुलिस ने पूछताछ के बाद रजत को भी गिरफ्तार किया और दोनों के कब्जे से पूरे पैसे 1,90,000 रुपये जिसकी टप्पेबाजी की सूचना थी वो पैसे को रिकवर कर लिए हैं और दोनों अभियुक्तों से पूछताछ करके इसमें अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं।